आज है 18 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस दिन से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी, पंजीयन शुरू। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, यूपी शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं की खरीद अवधि में बदलाव किया गया है। इस बार 1 अप्रैल के बजाय 15 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी, जो 15 जून तक चलेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये की वृद्धि की गई है। यूपी के 6 जिलों से अयोध्या धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। सरकार प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। सरकार की ओर से प्रदेश के 6 जिलों से शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन किया गया, जो ऑपरेशनल मॉडल पर हेली सर्विसेज की सेवाएं प्रदान करेगी। बिना स्टॉपेज वाले स्टेशन पर भी रोके ट्रेन, स्टॉल खुलवाएं। वर्क सेफ्टी डिवाइस कवर समेत कई इंतजाम पर रेलवे ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन कोहरे का कहर यूं रहा कि हर इंतजाम फेल हो गए। कोहरे की सफेद चादर ने पटरी पर दौड़ती ट्रेन को थाम दिया। उत्तर मध्य रेलवे की 60 से अधिक ट्रेन कोहरे की वजह से फरवरी तक निरस्त हैं। जो चल रही हैं वो कोहरे की वजह से बिन रफ्तार के हैं। राजधानी सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 20 घंटे तक लेट हो रही है। बीटेक समेत 7 कोर्स के लिए केटीयू में लगेगा रोजगार मेला, 3 लाख मिनिमम सैलरी पैकेज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश 17 फरवरी को विशाल रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है। इस मेले में सभी ब्रांचों के बीटेक छात्र एमटेक, एमसीए, एमबीए, बी वोकेशनल, बी फार्मा, एम फार्मा कोर्स के छात्रों को मौके मिलेंगे। केटीयू ने कहा कि इस मेले में 50 से ज्यादा कंपनीज छात्रों को जॉब ऑफर देंगी। सरयू की लहरों पर भी होगी पार्टी, फ्लोटिंग बोट पर मिलेंगे स्वादिष्ट व्यंजन। भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन तो 22 जनवरी से मिलने ही लगेगा। अब अयोध्या धाम आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटकों को सरयू की लहरों पर पार्टी करने के साथ तरह तरह के स्वादिष्ट और सात्विक व्यंजन का भी आनंद मिलेगा। अयोध्या में सरयू नदी पर शीघ्र ही 5,000 वर्ग फीट का एक विशाल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नजर आएगा। इसका निर्माण मार्च में शुरू होगा और करीब 8 माह के बाद ये दर्शनार्थियों और देशी विदेशी पर्यटकों की सेवा के लिए सरयू घाट पर आरती घाट के सामने नदी के मध्य स्थापित होगा। ईबॉस मशीन से लिंक इलेक्ट्रॉनिक कांटे से राशन का वितरण, थमेगी घटतोली। बरेली जिले में राशन वितरण में घटतोली की आशंका पर अंकुश लगाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे से लिंक ई पॉस मशीन से वितरण होगा। डीएम रविंद्र कुमार ने पूर्ति विभाग को 31 जनवरी तक प्राप्त ई पॉस मशीनों का निर्धारण समय में प्रशिक्षण शुरू कराने के लिए कहा है, ताकि मार्च से वितरण शुरू हो सके। राम मंदिर आंदोलन की वजह से सन्यासी हूं, श्रेय लेने की होड़ पर बोले सीएम योगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का श्रेय लेने के प्रयास के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से वो सन्यासी हैं और मंदिर में जो भी सेवक बनकर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्रेय नहीं ले रहे, हम तो वहां सेवक बनकर जा रहे हैं। मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सबको मिला है, उन्हें राम मंदिर में आने से किसी ने रोका नहीं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 469 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें होंगी चौड़ी, 581 करोड़ होंगे खर्च। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी 469 किलोमीटर लंबी 66 सड़कों को जल्द चौड़ा किया जाएगा। इन सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने भारत सरकार को भेज दिया। चालू वित्तीय वर्ष में इन सड़कों का काम शुरू किया जाना है। यूपी में पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी। पशुधन और मत्स्य विभाग के एसीएस डॉक्टर रजनीश दुबे ने कहा कि पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों द्वारा देय प्रीमियम धनराशि पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। सामान्य ओबीसी एपीएस से प्रति यूनिट धनराशि 150 रूपये और एससी एसटी से प्रति यूनिट धनराशि 50 लिए जाने पर निदेशक मंडल के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में होगी स्मार्ट सिक्योरिटी, सुरक्षा कर्मियों को मिलेंगे आई कार्ड। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों को स्मार्ट आई कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी डायनेमिक QR कोड का प्रयोग किया गया है। इस कोड को स्कैन करने पर प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को उसकी ड्यूटी के बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। यूपी में भीषण ठंड और शीतलहरी का कहर, 22 जनवरी तक इस जिले में स्कूल्स की हुई छुट्टी। यूपी में भीषण ठंड का कहर जारी है और शीतलहरी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में स्कूल्स की छुट्टी लगातार बढ़ाई जा रही है। बुधवार को कानपुर में भी स्कूल्स को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश DM ने जारी कर दिया। 21 को रविवार और 22 को राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर पहले से ही स्कूल में छुट्टी है। ऐसे में अगर मौसम ठीक रहा तो स्कूल अब 23 जनवरी से ही खुल सकेंगे। नाम में अगर राम है तो डॉक्टर की फीस माफ, यूपी के शहर में 7 अस्पतालों ने की पहल। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से गोरखपुर के डॉक्टर भी जुड़ गए हैं। गोरखपुर राममय होता जा रहा है। महानगर के डॉक्टर्स ने राम के नाम वाले मरीजों को OPD में फ्री देखने का फैसला किया। वहीं 22 को मुफ्त में ऑपरेशन करने का फैसला भी लिया गया। IMA से जुड़े महानगर के 7 अस्पतालों ने ये पहल की। इसकी शुरुआत IMA के सचिव और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मिश्रा ने की। नामी कंपनीज में नौकरी का मौका, इसी महीने होगा इंटरव्यू। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विप्रो और कैप जर्मनी जैसी नामी कंपनीज में प्लेसमेंट का मौका है। विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और तकनीकी संकाय के प्लेसमेंट सेल की ओर से इन कंपनीज में जॉब के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाना है। इसके लिए आज 18 जनवरी तक आवेदन करना होगा। संकाय के प्लेसमेंट प्रभारी डॉ हिमांशु पांडे ने बताया कि विप्रो HR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पद पर 3.08 लाख प्रति वर्ष के पैकेज के लिए BBA, BCA, BCOM, BA, BHM, BJMC और BSc गणित ऑनर्स, सांख्यिकी ऑनर्स, अर्थशास्त्र ऑनर्स, BSc कंप्यूटर साइंस और BSc IT को छोड़कर के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी का हुआ चुनाव, स्टॉक पर रखें नजर। IT सेक्टर की कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विस का चुनाव अयोध्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर यानी MSI के रूप में हुआ। MSI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि किसी स्मार्ट बिल्डिंग या सिटी में सभी सिस्टम को जरूरत के आधार पर एक साथ जोड़ता है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच सपा ने किया PDA यात्रा का ऐलान, कांग्रेस पर बोले अखिलेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने PDA यात्रा की शुरुआत की। सपा की ये यात्रा 17 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। 22 जनवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे करीब 700 VIP मेहमान, सड़क मार्ग से जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए करीब 600 से 700 VIP मेहमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वे लोग एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए रामनगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। इन मेहमानों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्री और जज भी सड़क मार्ग से अयोध्या जाएंगे। कानपुर एयरपोर्ट से घटा भरोसा। कानपुर में कोहरे के कारण कानपुर एयरपोर्ट से लगातार 3 दिन उड़ानों के निरस्त होने से लोगों का विश्वास घटा है। जनवरी में पहले से सीट बुक करा चुके 30% यात्रियों ने कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई की टिकट निरस्त करा ली। उड़ानों की अनियमितता और बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए 3 महीने के लिए निरस्त करने और नया टर्मिनल बनने के बाद नई उड़ानों के शुरू न होने से यात्रियों का भरोसा कानपुर एयरपोर्ट से कम हुआ है। गोरखपुर, लखनऊ, लुधियाना समेत कई शहरों की ओर जाने वाली ट्रेन प्रभावित रहेंगी। देश के कई हिस्सों में इंजीनियरिंग और तकनीकी ब्लॉक के चलते कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इनमें कई ट्रेन डायवर्ट, कई ट्रेन दूसरे स्टेशन से चलेंगी और दूसरे स्टेशन पर खत्म होंगी। इसमें गोरखपुर, लखनऊ, लुधियाना समेत कई शहरों को जाने वाली ट्रेन शामिल हैं। इसमें कोहरे की वजह से प्रभावित ट्रेन शामिल नहीं है। इसके अलावा कुछ ट्रेन का नए स्टेशन में ठहराव भी शुरू किया गया। सपा के गढ़ में BJP का नया दांव, अखिलेश यादव को मिलेगी सीधी चुनौती, लिया ये बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले का असर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा पड़ने के आसार हैं। दरअसल BJP ने 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा। सरकार के 12 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा 4 पूर्व मंत्री भी प्रभारी बनाए गए। BJP के प्रभारियों में से एक प्रभारी हैं गिरीश यादव।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लगेगी रोक, हाईकोर्ट में याचिका, लगाएगी आरोप। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक की मांग की गई। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। यूपी में हर दूसरे दिन खुल रहे 3 प्राइवेट डिग्री कॉलेज, इस साल में खुल गए 1180 नए संस्थान। प्रदेश में उच्च शिक्षा में परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने वाले निजी डिग्री कॉलेजेस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 6 सालों के आंकड़ों को देखें तो हर साल औसतन 196 निजी डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। ये तब है जब पिछले शैक्षिक सत्र 2022-23 में नए कॉलेजेस की संख्या शून्य है। 2017-18 में प्रदेश में स्ववित्त पोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 6192 थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7372 होगा। अब इन 196 बीमारियों का नहीं होगा इलाज, हॉस्पिटल जाने से पहले जरूर जान लें ये अपडेट। गरीबों के लिए संचालित होने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना में कई बीमारियों को फ्री में इलाज किया जाता है। मोदी सरकार ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की जिसमें बताया गया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं होगी। हाल की खबरों में आई जानकारी में बताया गया कि आयुष्मान भारत में 1760 बीमारियों का इलाज होता है। अब इसमें अपडेट किया गया है जिसमें 196 बीमारियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले इलाज से हटा दिया गया है। जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि सरकार ने मलेरिया, मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी, नसबंदी और गैंग्रीन जैसी 196 बीमारियों को हटा दिया है। हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ईरान से अपने राजदूत को बुलाया वापस। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि ईरानी राजदूत को देश छोड़कर जाना होगा। नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, सस्ते दामों में हो रही थी सप्लाई। अमरोहा शहर में नामी कंपनी के नाम पर नकली सीमेंट बेची जा रही थी। डिडौली क्षेत्र में मंगलवार दोपहर पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से नकली सीमेंट के 630 कट्टे, कई सीमेंट कंपनीज के बैग और सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, दरवाजे पर ही कर सकेंगे बिजली बिल का पार्ट पेमेंट। बिजली उपभोक्ता हर महीने अपने दरवाजे पर बिजली बिल का आंशिक भुगतान कर सकेंगे। बिजली कंपनीज इसके लिए स्पॉट बिलिंग का काम करने वाली एजेंसीज से करार करने जा रही हैं, जिसके माध्यम से स्पॉट बिलिंग एजेंसीज को उपभोक्ताओं से बिल का आंशिक भुगतान लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।